नमस्कार। चलिए दोस्तों एक बार फिर से जान लेती हूँ उत्तर प्रदेश राज्य की आज के सुबह के सभी मुख्य समाचार, ताजा बड़ी महत्वपूर्ण सिलेक्टेड 25 फटाफट खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में भी शेयर जरूर करें। हाई कोर्ट का आदेश, केवल एक सत्र के लिए निदेशकों को मिलेगा 17,000 का मानदेय। मेडिकल कॉलेजों में हर हाल में रोके रैंकिंग, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा। हतौली उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक रहे चौधरी जयंत आज भाजपा को लेकर कह दी बड़ी बात। भाजपा पर सपा प्रत्याशी डिंपल यादव का निशाना, कहा इस सरकार में मैनपुरी के साथ हुआ सौतेला व्यवहार। ज्ञानवापी के कई मामलों की सुनवाई टली, इस तारीख को होगी मामले की अगली सुनवाई। उत्तर प्रदेश में भी चल रही है जोड़ तोड़ की सियासत, अखिलेश ने महाराष्ट्र की तर्ज पर फेंका बड़ा पैसा। बिकरूकांड का वाराणसी कनेक्शन, विकास दुबे के साथ प्रभात के इनकाउंटर मामले में NHRC ने 4 हफ्ते का दिया समय। भाजपा सरकार पर स्वयं प्रसाद मौर्य का निशाना, कहा जाति आधार पर प्रदेश में चल रहा बुलडोजर। निकाय चुनाव में ताल ठोकेगा किन्नर समाज, मेयर और पार्षद पद पर चुनाव लड़ने का किया फैसला। खतौली में हुई श्रीकांत त्यागी की बड़ी बैठक, RLD के समर्थन का ऐलान। अखिलेश पर बरसे CM योगी, डिंपल को बताया बेचारी, कहा मैनपुरी को समाजवाद नहीं राम राज्य चाहिए। जसवंत नगर में अखिलेश बोले ये नेताजी और चाचा का क्षेत्र है, सरकार सिर्फ सपा पर छापा मार रही। भाजपा को जिताइए, बार बार के चुनाव से मुक्ति पाइए, बिना नाम लिए CM योगी का आजम खान पर हमला। आंदोलन करने वाले सैकड़ों विद्युत कर्मियों पर कार्यवाही की तैयारी, 25 की चली गई नौकरी। सिकंदरा याकूब कुरैशी ने बदले 20 से ज्यादा ठिकाने, आखिर खुला ऐसे राज, पुलिस अफसर भी रह गए हैरान। साजिश के तहत हुआ एम्स पर साइबर वार, राज्य IT मंत्री बोली हमें चौकस रहना होगा। कोई डिप्टी CM नहीं, एक स्टूल मंत्री तो दूसरे छापामार मंत्री, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य पर अखिलेश का तंज। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मैनपुरी में योगी ने समझाया शिवपाल अखिलेश के समाजवाद का मतलब। हाई कोर्ट का आदेश, केवल एक सत्र के लिए अनुदेशकों को मिलेगा 17,000 का मानदेय। जी हां दोस्तों, बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों को केवल सत्र 2017-18 के लिए 17,000 रुपए मानदेय स्वीकार किया है। वहीं हाई कोर्ट ने आदेश राज्य की स्पेशल अपील पर पारित फैसले में दिया है। अखिलेश पर बरसे CM योगी, डिंपल को बताया बेचारी, कहा मैनपुरी के समाजवाद नहीं राम राज्य चाहिए। जी हां, आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मैनपुरी के क्रिश्चियन मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए पहुंचे CM योगी आदित्यनाथ के भाषण में सैफ ही परिवार ही निशाने पर रहा। उन्होंने कहा कि सैफ ही परिवार में समाजवाद के अलग अलग ब्रांड है, शिवपाल सिंह का समाजवाद लठैत है, तो वही प्रोफेसर राम गोपाल का पूंजीवाद और अखिलेश यादव का समाजवाद और अवसरवादी है। भाजपा को जिताइए, बार बार के चुनाव से मुक्ति पाइए, बिना नाम लिए CM योगी का आजम खान पर हमला। जी हां दोस्तों, बता दें कि CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 5 वर्षों में रामपुर से सबसे अधिक चुनाव और उपचुनाव झेला है। पहले जनता से समर्थन लेना, फिर से इस्तीफा दे देना, बार बार चुनाव होना, यह रामपुर के विकास को बाधित कर रहा है। बार बार के चुनाव से मुक्ति पाइए, रामपुर को विकास के पथ पर लेकर जाइए। आंदोलन करने वाले सैकड़ों विद्युत कर्मियों पर कार्यवाही की तैयारी, 25 की चली गई नौकरी। जिया दोस्तों बता दें कि ऊर्जा निगमों के प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन कर रहे विद्युत अभियंताओं और कर्मचारियों के खिलाफ बिजली कंपनियों ने कार्यवाही शुरू कर दी। इसको प्रबंधन ने आंदोलनकारियों को कार्य बहिष्कार की स्थिति में वेतन न देने का आदेश दिया है। वहीं बता दें कि पश्चिमांचल में 2 अवर अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है, जबकि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम ने 25 संविदा कर्मियों को निष्कासित कर दिया गया है। और गैर कानूनी तरीके से 2 से 3 बीवियां रखते हैं हिंदू जनसंख्या वृद्धि पर मौलाना बदरुद्दीन का विवादित बयान। जी हां दोस्तों, बता दें कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने जनसंख्या वृद्धि पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने हिंदुओं पर 40 साल से पहले 2 से 3 गैर कानूनी तरीके से बीवियां रखने का आरोप लगा दिया है। इस बयान के बाद हंगामा होना तय माना जा रहा है। बता दें कि इस पर BJP नेताओं ने भी पलटवार किया है। वहां AIUDAF अध्यक्ष और सांसद बदरुद्दीन अजमल के हिंदू महिलाओं पर बयान पर असम भाजपा विधायक डी कलिता ने कहा है कि तुम मुसलमान हो और हम हिंदू, क्या हमें आपसे सीखना है? यह भगवान राम और देवी सीता का देश है, यहाँ बांग्लादेशियों के लिए कोई जगह नहीं है, हमें मुसलमानों से सीखने की जरूरत नहीं है। ऐसी बातें कहकर आप अपनी माँ और बहन पर आरोप लगा रही है, मैं इसकी निंदा करता हूँ आपको और आपको चेतावनी भी देता हूँ कि ऐसा न करें, अन्यथा बांग्लादेश जाएं और ऐसा करें, हिंदू इसे स्वीकार नहीं करेंगे। राजनीति के लिए इतना नीचे
नार्को टेस्ट में आफ्ताब के खौफनाक खुलासे, श्रद्धा के कत्ल और टुकड़े करने समेत खोले कई राज। जी हां दोस्तों, बता दें कि श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने 2 घंटे तक चले नार्को टेस्ट में प्रेमिका के बर्बर हत्या बयां कर दी। हालांकि फॉरेंसिक अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि आफ्ताब ने हत्या और शव के टुकड़े पर ठिकाने लगाने की बात कबूल कर ली है। ज्ञानवापी के कई मामलों की सुनवाई टली, इस तारीख को होगी मामले की अगली सुनवाई। जी हां दोस्तों, बता दें कि वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मामले में सुनवाई का सिलसिला लगातार जारी है। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले से जुड़े कई मामलों पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन आज की सुनवाई टल गई है। बता दें कि जिला अदालत ने अगली तारीख 5 जनवरी दे दी है। निकाय चुनाव में ताल ठोकेगा किन्नर समाज, मेयर और पार्षद पद पर चुनाव लड़ने का किया फैसला। जी हां दोस्तों, बता दें कि नगर निगम के चुनाव में किन्नर समाज की प्रत्याशी उतारेगा। बता दें कि किन्नर समाज ने फैसला किया है कि इस निकाय चुनाव में किन्नर मेयर और पार्षद पद के प्रत्याशी के तौर पर भी चुनाव लड़ेंगे। यह बातें किन्नर समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमान ने मैदागनी स्थित परालकर भवन में आयोजित पेशवार्ता में कही है।